हाँ जी, सुबह की राम राम जी सभी को। और अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और इसके पापा चले गए हैं ऑफिस नाश्ता करके। और मेरा पूरा काम ऐसे ही फैला है। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता, ये देखो। और मैं पास्ते में मैं प्याज टमाटर बहुत ही कम डालती हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि मेरे बच्चे प्याज टमाटर खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते, वो सिंपल पास्ता ही अच्छा लगता है उन लोगों। अभी बच्चे उठ गए हैं सो के, उठने के बाद भी तो उनको 10-15 मिनट तो वो ऐसे ही लगा देते हैं मम्मी की गोद में बैठे बैठे, गुस्से से उनको मनाने में लग जाता है इतना टाइम, 10-15 मिनट। तो अब देखो जो मैं पास्ता बनाई थी अभी खा रहे हैं बच्चे पास्ता, वो बच्चे पास्ता खा रहे हैं। तब तक मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। भाई साक्षी क्यों नहीं खा रही? अच्छा नहीं लग रहा? और दूध फिनिश कर दिए? सब ये कैसा लगा है? सब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देख लो भाई, थोड़ा थोड़ा इतू इतू पास्ता दी थी दोनों को। ये साक्षी पहले तो स्कूल में भी ले जाती थी, खा लेती थी, पता नहीं अब इसको क्या हो गया है, मतलब अब तो पास्ता बिल्कुल नहीं खाती। और सावी को बहुत पसंद है पास्ता, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको तो। और सावी भी, साक्षी भी पहले तो खाती थी, पता नहीं अब क्या हो गया उसको, क्यों नहीं खा रही है, पता नहीं भाई बच्चों का भी क्या है क्या नहीं, क्या खाते हैं क्या नहीं, कब क्या, कौन सी चीज़ किसको कब अच्छी लग जाती है बच्चों का कोई पता। साक्षी बोल रही है मम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब बस मुझे तरबूज अच्छा लगता है, तरबूज ही दे दो, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। देखो मतलब क्या हम उसको ऐसे नहीं देते बहाने, तो देखो मतलब तबीयत खराब है इसलिए नहीं खा रही वो है। सबू सबू कैसा लग रहा है साक्षी, कैसा लग रहा है बाटू में? बोलोगे नहीं किसी को खाने के लिए? अरे जवाब दो, खाओगे क्या? हाँ खा लिया बस, थैंक यू। ये देखो इनको ना तरबूज खाने के चक्कर में और पास्ता भी नहीं खाई आज, ये दोनों की दोनों, इसने भी नहीं खाया फिर बाद में। ए क्या बोल रही थी तू? वाटरमेलन खाने के लिए पता है क्या बोल रही थी? ये मम्मी मुझे पास्ता नहीं खाना, आज मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी, मुझे तो तरबूज दे दो तरबूज। ये देखो जी इस ग्राइंडर के साथ मैंने ये देखो मलाई से घी बना लिया, ये देखो। हाँ जी मलाई को, मलाई से घी जो बनाई हूँ, बहुत से लोगों को उसको देख के भी कमेंट आएगा कि दूध से मलाई तो निकाल लेती है फिर बच्चों को पिलाती है। भाई क्या करें, जब हमारे बच्चे मलाई नहीं खाते तो हम क्या कर सकते हैं, उससे अच्छा तो फेंकड़े से अच्छा है तो मैं घी बना लूँ ना, वो घी भी तो बच्चे ही खाएंगे, क्या मैं अकेली थोड़ी खाऊंगी, तो इसीलिए वही दूध में पियो या ऐसे खाओ, खाना तो बच्चों को ही है, जब बच्चे पसंद ही नहीं करते तो मैं क्या कर सकती हूँ, फेंकने से अच्छा है तो मैं घी बना सकती हूँ। मलाई हमारे परिवार में किसी को भी पसंद नहीं है इसलिए हम फेंकने से अच्छा भाई उसका घी बनाते हैं, भले ही बोलने वाला फिर कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षी आज तेरा रिजल्ट अच्छा आया, क्या करेगी? पार्टी देगी और क्या? पार्टी देगी? पार्टी बाद में, बाद में कब? वो भी सबको पार्टी दे देगी, सावी भी बोल रही है आप भी दो भाई। देखो देखो सावी उठी, सावी तू किस खुशी में देगी? सावी देखो, सावी तू पार्टी किस खुशी में देगी? वो पार्टी भी नींद में ही देगी। तो बता बताओ कितने पैसे लगाएगी पार्टी पे? मेरे पॉकेट मनी उस दिन आप स्कूल में से लाए थे। कितनी है तेरी पॉकेट मनी? दो पैकेट। कितने रुपए लगाएगी? मेरे 3 पैकेट हो जाएंगे। देखो भाई साक्षी हाँ नहीं भर रही है, इसके पास पॉकेट मनी भी है लेकिन सावी के पास कोई पॉकेट मनी नहीं है, वो नींद में भी है और बोल रही है मैं पार्टी दे दूंगी। मुझे 3 पॉकेट। क्या खा रही? सब क्या खा रहा है? गोल गप्पे अच्छे लग रहे हैं। तो देखो साक्षी कैसे कर रही है। ओ वाह फंस गई। लो
चौधरी साक्षी ने अपनी पॉकेट मनी से आखिरकार हमें पार्टी दे ही दी है, वो भी पानी पूरी खिला के। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।